अब देखो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि आज हर दूसरी मूवी किसी ना किसी मूवी की कॉपी तो होती ही है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि इस मूवी के एक दो सीन ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मूवी ही कॉपी है। तो गाइस आज हम ऐसी मूवीज की बात करने वाले हैं जो कि कॉपी होने के बावजूद भी ब्लॉकबस्टर या फिर हिट साबित हुई है। तो यार इस मीम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का स्टार्ट हम किस मूवी से करने वाले हैं। गाइस 2000 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म हेरा फेरी को तो लगभग सभी जानते हैं और पसंद भी करते हैं, और पसंद ही क्या, अब तो इसका पार्ट 3 भी जल्दी ही आने वाला है। वेल गाइस, जो भी हो, बट इतने फेमस होने के बाद भी क्या आप यकीन करोगे कि ये मूवी हॉलीवुड से कॉपी है? तो आप सबसे पहले इन दो पोस्टर्स को देखो जिसमें से हॉलीवुड की लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स 1998 में रिलीज हुई थी, और वही हमारे विमल कुमार की हेरा फेरी 2000 में। गाइस हॉलीवुड की इस मूवी में भी हमारे श्याम राजू एंड बाबू भैया की तरह ही चार लोगों का ग्रुप होता है जो कि लोकल विलन्स के कर्जे डूब चुका होता है, और इसी कर्जे से छुटकारा पाने के लिए वो अपने पड़ोस में रह रहे एक चोर गैंग के यहाँ चोरी करने का प्लान बनाते हैं, सेम हमारे बाबू भैया श्याम और राजू की तरह ही। मतलब भाई ये हेरा फेरी मूवी ने हमसे ही हेरा फेरी करके हमें ही मामू बना दिया। 1991 में रिलीज हुई आ किस बिफोर डाइंग एक बहुत ही यूनिक मूवी थी। इस मूवी में हमें मेन कैरेक्टर के रूप में जोनाथन नाम का एक साइको देखने को मिलता है जो कि डोरोथी को शादी का झांसा देकर उसे बिल्डिंग से गिराकर मार देता है, और फिर उसी की बहन एलेन से शादी भी करता है, और फिर जब डोरोथी के मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटने लगता है तो फिर जोनाथन सभी गवाहों को मारने लगता है। ये तो हुई इस हॉलीवुड मूवी की स्टोरी, बट यार क्या ये स्टोरी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? यस गाइस, ये सेम स्टोरी है 1993 में आई बाजीगर मूवी की, जिसमें मूवी के मिर्च मसाले और गाने के साथ जोनाथन की जगह अजय होता है, सीमा की जगह डोरोथी होती है, और उसकी बहन एलेन की जगह प्रिया होती है। भाई पहले इंटरनेट नहीं था तो कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब जियो का जमाना आने के बाद बाजीगर का भी जिगर हिल गया होगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, ये डायलॉग सुनकर तो आपको पता चली गया होगा कि अब मैं किस मूवी की बात करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, पठान। भाई इस मूवी के एक दो सीन्स ही नहीं बल्कि डायलॉग से लेकर एक्शन सीन्स तक सब कॉपी है। पठान मूवी के कुछ सीन्स मिशन इम्पॉसिबल से लिए गए हैं, तो कुछ कैप्टन अमेरिका एंड फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज है। गाइस आप यहाँ पर कुछ सीन्स को देख भी लो जिन्हें देखकर आप खुद ही पता लगा लोगे कि ये मूवी कॉपी है या फिर नहीं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सुबह तक मान के मेरी बात। और यही होती है वीडियो खत्म। गाइस अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।